I've fallen in love with I Love. I love you. Del Bole, wow. कितनी सुरीली आवाज है बेटी। ऐसा एहसास होता है कि साक्षात सरस्वती देवी मेरे सम्मुख खड़ी होकर गाना गा रही। किसकी बेटी हो यह नहीं जानता मैं, उम्र में छोटी हो इसलिए हार पहनाकर नमन कर रहा हूं। कौन हो तुम बेटी? दादाजी पूछ रहे हैं ना, तुम कौन हो बेटी? बोलो बेटी। मैं कौन हूँ नहीं पहचाना आप लोगों ने? अगर पहचानते तो पूछते नहीं। बताओ बेटी। श्रीमान शमशेर सिंह के इकलौते पुत्र सूरज सिंह की इकलौती पुत्री देवी हूँ मैं। अरे ये हमारे सूरज की बेटी देवी है। हाँ देवी। हाँ अरे कई वर्षों बाद मैं देख रहा हूँ बेटी। अच्छा बताओ पापा कहाँ है? बेटा आज तक इस 22 बुढ़िया की किसी ने भी सहायता नहीं की। तुम्हारे माता पिता को तुम पर फक्र होना चाहिए बेटा। तुम्हारे अच्छे गुणों के लिए तुम 100 साल जियोगे बेटा, 100 साल जियोगे। अरे माँ जी सब आप ही की कृपा है। माँ की कृपा तुम पे बनी रहेगी बेटा। शुक्रिया। बनी रहेगी। संभल के जाइए। बाबूजी, माँ जी सदा सुखी रहो। कैसी हो माँ? ठीक हो, तुम कैसे हो? बाबूजी हाथ हटा, लंदन से यहाँ क्यों आए हो? आप सबसे मिलने के लिए। अरे सच बताओ माँ, इस बच्ची को देखने के लिए इतना तड़प रहा था कि एयरपोर्ट से सीधे यहाँ चला आया मैं। आखिर ऐसी क्या बात हुई जो लंदन छोड़कर चले आए यहाँ? बाबूजी आपको तो मेरी परवाही नहीं है, लेकिन मुझे आप दोनों की काफी परवाह है, ये आप नहीं समझेंगे। अरे चंडीपुर वालों के बारे में जानते हो ना? अजी छोड़िए भी, रहने भी दीजिए। मंदिर में आके चंडीपुर की बातें क्यों कर रहे हैं? सूरज हमारी बहू का है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके देवी नारायणी नमोस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थं भिक्षां देहि शपार्वती। मंगले मंगलद्वारे मांगल्य मंगलप्रभे मंगलार्थं मंगलेशी मांगल्य देहि मे सदा। ऐसे क्या देख रहे हैं पिताजी? इतने दिन लंदन में रहने के बाद भी अपने आचार विचार नहीं भूली यही ना? वो नहीं बेटी, जो चीज मैं बचपन से सीख के पली हूँ, जैसे कि अपनी संस्कृति है, हमारे आचार हैं, हमारे विचार हैं, ये सब मैं नहीं भूल सकती हूँ पिताजी। ये तो मेरा सौभाग्य है बेटी कि तूने मेरे घर में जन्म लिया है। पंडित जी ये आपका सौभाग्य नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपकी बेटी मेरे घर की बहू जो बन गई। फाइन लगूं। आशीष बेटी। माची सदा सुहागन रहो। इस अंगूठी को पहन लीजिए। शुक्लं वर्धनं विष्णुं शशिवर्धनं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो शान्ताये। पिंड को पत्ते पे रखिए।
जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आप भी बोलिए। मात्र सौद्रीपिंडम दद्यामि अवम देवम बद्याह अवर्जिद्यासा बद्यम दोहा। ए, रुको, इस मंत्र का अर्थ क्या है बताओ। आपकी माता एवं सौद्री की आत्मा को शांति मिले और वो सीधे स्वर्ग चले जाए, यही इसका अर्थ है। नो, उस शमशेर सिंह का पूरा खानदान सीधा ऊपर जाना चाहिए, तब मेरी माँ और बहन की आत्मा को शांति मिलेगी, नहीं तो उनकी आत्मा यही कहीं भटकती रहेगी। उनकी आत्मा शांति के लिए मंत्र पढ़ो। ऐसा कोई मंत्र नहीं है ठाकुर साहब। जितना कहा उतना करो। अरे ऐसे कोई मंत्र नहीं है। नहीं है, पढ़ो। पढ़ता हूँ। काट गया। आज सवेरे किसका मुंह देखा, ले मेरी जान के पीछे पड़ गया। अरे कागज के चंद टुकड़ों के लालच में यहाँ आ गया, लेकिन अब लगता है ये मुझे मारकर मेरे बेटे के द्वारा मेरा श्राद्ध है। शमशेर का खानदान ऊपर। छोटे ठाकुर, सूरज सिंह विदेश से लौट आया है। छोटे ठाकुर, शमशेर सिंह का बेटा सूरज यहाँ पर आया, इसका मतलब उसने अपनी मौत को दावत दी है। उसको जिंदा देखने के बाद तुम लोग उसके टुकड़े किए बगैर मेरी शांति पूजा के दौरान खाली हाथ आकर खड़े हो ना मर्दो। जिसका मुझे कई सालों से इंतजार था वो कमीना आ चुका है। सिर्फ उसे ही नहीं, उसके सारे परिवार को, उसके वंश को मिटाना होगा। सुनिए, मैं हूँ। छोड़िए ना, बहुत खुराफाती हैं आप। खुराफाती तो हूँ, तुम्हें देखते रहने का मन करता है। छोड़ो, भी कोई देख लेगा। माजी आ जाइए, छोड़ो ना। ये तो एकांत जगह है, कोई नहीं आने वाला। इस सुंदर बाग में अपनी सुंदर पत्नी को जी भर के प्यार करने का मन कर रहा है। मुझे शर्म आ रही है। तो क्या हुआ, एक बार मेरे सीने से लग जा, सारी शर्म मिट जाएगी। तुम जाओ, मैं देखता हूँ। छोटे मालिक, इसी क्षण हम चंडीपुर जाके उन सबके एक सबक सिखा के आऊंगा। हाँ छोटे ठाकुर, इसका फैसला भी लेना होगा। सुनो, तुम सब मेरी मदद करने के लिए आए हो ना? मदद तो दूर की बात है ठाकुर साहब, हम तो अपने प्राणों की बलि भी देंगे। ठीक है, लाठी नीचे फेंको। देखो, यहाँ जो कुछ भी है वो जाके ठाकुर साहब को मत बताना। क्यों? हाँ, अगर इस हादसे के बारे में बाबूजी जान गए तो मेरी खुशियाँ छिन जाएगी और वो मुझे विदेश भेज देंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ही रहें। मैं तुम लोग के साथ हूँ, हिम्मत से जाओ तुम लोग। अरे जाइए। दादाजी, देवी माँ अबु
आभूषणों में बहुत अच्छी लग रही थी। सही कहा बेटी, जब देवी माँ आभूषण पहन के रहती है तो वो और भी अच्छी दिखती है। वो बहुत ही करुणामयी है बेटे। दादाजी वो देखिए आप। दादाजी वहाँ भी आ गए। हे माते, देवी माते हमारी रक्षा करो, देवी माते हमारी रक्षा करो। देवी माँ ने हमारी रक्षा की, देखा बेटी, देवी माँ ने हमारी रक्षा की, हम बाल बाल बच गए, है ना? बड़े सरकार, ये साजिश चांदीपुर वाले की है। चांदीपुर वाले हमें चैन से कभी रहने नहीं देंगे, छी। इसीलिए मैंने कहा था कि लंदन छोड़ के मत आना, छी। लेकिन मेरे बात कोई मानता ही नहीं। नहीं बाबूजी, इसमें इनकी गलती नहीं, मेरे कहने से यहाँ आए हैं। दरअसल मैं चाहती थी कि एक शुभ अवसर पर यानी विजयदशमी पर हम सब लोग मिलकर पूजा करें तो अच्छा होता, इसलिए इनके मना करने के बावजूद भी जिद करके मैंने ही नहीं बुलाया। तुम्हारी बात ठीक है बेटी, लेकिन वो लोग मेरे बेटे सूरज को मारकर मेरे वंश को मिटाना चाहता है, लेकिन मेरा क्या होगा? यानी कि हम सब उससे डर डर के जिंदगी गुजारी यही कहना चाहते हैं ना बाबूजी? सुनिए, दो दिन की जिंदगी सही, मैं वीर बनकर मरना पसंद करूंगा। क्यों क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे हो? तुम्हें यहाँ देखकर अब वो लोग चुप नहीं रहेंगे, और दोनों एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं। खून की नदियां बहेगी, खून की नदियां। अगर खून बहा के धर्म को बचाना है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ बाबूजी। सुना सुना तुम्हारे बेटे ने क्या कहा? सूरज ने जो कहा सही कहा, आखिर कब तक हम ऐसे जिएंगे बोलिए ना। अरे चंडीपुर वालों के बारे में जानकर भी तुम ऐसा बोल रही हो? अजी इतनी छोटी सी बात का पतंगड़ क्यों बना रहे हैं? और वैसे भी हमारे परिवार के रक्षा के लिए देवी माँ जो है हमारे वंश को बिटाने के लिए, वो चंडीपुर वाले एड़ी चोटी एक क्यों ना कर दे, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारे साथ देवी माँ जो है। चंडीपुर में जो भी हुआ उस घटना को तुम अभी तक भुला नहीं पाई हो ना बेटी? नहीं पिताजी, हम यहाँ पे खुशियाँ मनाने आए हैं, और किसी ने हमारी देवी बिटिया को मारने की कोशिश की, वो क्यों? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है पिताजी? तुम्हारे माथे पर जो कुमकुम है वो साधारण कुमकुम नहीं है बेटी, वो तो साक्षात देवी का कुमकुम है। पिताजी ये क्या कह रहे हैं? तुम्हारी माँ से शादी हुए 15 साल हो गए, लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। एक दिन मैं और तुम्हारी माँ देवी माँ के चौखट पे जाके सच्चे मन से प्रार्थना की, हे माता, सदैव आपके चरणों की सेवा करने वाला ये पंडित अभी तक निसंतान है, यही स्थिति रही तो भक्त कैसे विश्वास करेंगे? मैंने कभी आपसे धन दौलत माया कभी कुछ नहीं मांगा, केवल एक संतान का सुख दे दो देवी माँ। अगर तुम मेरी सुनी गौर कर दोगी तो बदले में मैं अपनी जान का बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। आप इस तरह क्यों देख रहे हैं? अगर वो मेरी सुनी गौर कर देंगे तो जान का बलिदान देना कोई गलत नहीं है। पार्वती, यदि देवी माँ की कृपा से मैं बाप बन गई तो मैं उनके चरणों में जान दे दूंगी, ये सत्य वचन है देवी माँ। माते, उस देवी माँ की कृपा से तुम्हारी माँ गर्भवती हुई, प्रसव पीड़ा शुरू होते ही मैं तुम्हारी माँ को लेकर अस्पताल की ओर चल दिया बेटी। चलो जल्दी, चलो जल्दी, लगता है बारिश आने वाली है, जल्दी निकल लो।
अरे चंदन, गाड़ी को क्या हो गया? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही बेटे। अरे भाई कुछ भी करो, जल्दी चलो। अरे क्या बारिश, मेरी रहन में तुम्हें काम करो, देवी माँ के मंदिर में ले जाओ उसे। ऐसी परिस्थिति में हम मंदिर कैसे जाएंगे चंदन? इसी में इसकी भलाई है, मेरी बात मान लो, जल्दी चलते हैं, चलो। माते गायत्री, पार्वती तुम चिंता मत करो, जब तक बारिश रुकती है तुम यही मंदिर में बैठो, बारिश रुकते ही हम निकलेंगे। हाँ जल्दी जाइए, माते मेरी पत्नी की रक्षा करना। ए चंदन चलो भाई, तुम बैठो। क्या इससे पहले कहीं मैंने आपको देखा है? मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या अभी भी याद नहीं आ रहा मैं कौन हूँ? याद है तूने मुझे वचन दिया था, यदि मैं तेरी सूनी गोद भर दूंगी तो तू मुझे अपने प्राण देगी। क्या तुझे उसका स्मरण नहीं है? माते, गौरी, देवी, आदि पराशक्ति, मेरा जीवन धन्य हो गया। आपकी सहायता की, माते, पराशक्ति, मेरी बच्ची आपकी गोद में, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। माते, आज भी मैं अपने दिए हुए वचन को भूली नहीं हूँ, भूली नहीं हूँ माते। पार्वती, विधि के विधान के अनुसार इस बच्ची के जन्म की कुछ क्षण पश्चात ही तुम अपने प्राण त्याग दोगी, ऐसा ही वचन दिया था ना तुमने मुझे? माते, मेरे प्राण अवश्य ले लीजिए, लेकिन मेरी एक इच्छा है माते, वो ये कि इस शरीर से मेरे प्राण निकलने से पहले मैं आपको साक्षात गायत्री देवी के रूप में देखना चाहती हूँ। उस रूप को देखकर मैं प्राण त्याग दूंगी। अपने दिए उस वचन के अनुसार तुम्हारी माँ ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। साक्षात गायत्री देवी ने तुम्हारे माथे पे कुमकुम लगाया है बेटी, इसलिए किसी भी स्थिति में बिना कुमकुम के कहीं बाहर मत निकलना बेटी, सदैव सतर्क रहना। जब तक तुम्हारे माथे पर देवी का कुमकुम रहेगा तब तक तुम सदा सुहागन रहोगी, ऐसा वचन मुझे दिया था उस देवी माँ ने बेटी। अब ज्ञात हुआ तुम्हारे पति को किसी से कोई खतरा नहीं है, अब विश्वास हुआ? विश्वास है पिताजी, पूरा विश्वास है, अपनी देवी माँ पर मुझे पूरा विश्वास है पिताजी। लेकिन मुझे खुशी तभी मिलेगी जब तुम शमशेर से बदला लोगे। कैसी बातें करेगी माँ? हम
हम सब तकलीफ में यहाँ जी रहे हैं और उस शमशेर सिंह का खानदान वहाँ खुशियाँ मना रहा है, खुशियाँ मना रहा है। माँ। हाँ बेटा, जब तक उस देवी माँ की शक्ति उसके पास है तब तक कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। सुनो माँ, हम चाहे तो जादू टोना के जरिए उसके खानदान को तबाह कर सकते हैं। दैविक शक्ति के आगे जादू टोना सब व्यर्थ है बेटा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा बोलो। उस देवीपुर गांव में विजयदशमी की पूजा नहीं होनी चाहिए। उसका इससे क्या संबंध है? संबंध है, बहुत साल पहले किसी तांत्रिक ने देवीपुर जाकर विजयदशमी पूजा रोक दी और परिणाम वो मर गया। और सुनो, उस दिन के पश्चात देवीपुर के लोग रोग से ग्रस्त होकर धीरे धीरे प्राण छोड़ दिए और देवीपुर तबाह हो गया। अगर फिर से ऐसे ही कुछ देवपुर में घटे और विजयदशमी की पूजा रुक जाए तो उनका अंत हो जाएगा बेटा। पिताजी, नहीं पिताजी, जला। नहीं पिताजी, जला इसे। जल्दी पिताजी, पिताजी, थोड़ी देर के लिए अपने बाप की हथेली को जलते हुए देखकर तुमसे सहा नहीं गया राजेंद्र। ठीक उसी तरह उस शमशेर सिंह ने मेरी माँ की जान ले ली तो मुझसे कैसे सहा जाएगा राजेंद्र। पिताजी, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। किसी भी तरह उस शमशेर सिंह के खानदान को मैं उसे खत्म कर दूंगा। मैं अकेला काफी हूँ, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, उस शमशेर सिंह के खानदान को तबाह करके रख दूंगा। तो कसम दो, कसम दो। हाँ, देता हूँ, उसके खानदान को खत्म कर दूंगा। क्या हुआ, कहो ना, क्या बात है, सब खामोश क्यों खड़े हैं? मालिक, दशहरा पूजा में कहीं रुकावट? कैसी रुकावट? कहीं कोई समस्या खड़ी ना हो जाए, यही डर है। ऐसा ऐसा मैं नहीं कह रहा। पंडित जी, पागलों जैसी बातें मत करो, तुम्हारी बातें सुनकर ताज्जुब हो रहा है। ये साधारण देवी नहीं है, महाशक्तिशालिनी है ये। ठाकुर साहब, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पहले हम दो वक्त पूजा किया करते थे, अब हम तीनों वक्त पूजा करेंगे, वो प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद अवश्य देंगी। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, बचा लीजिए। कौन हो तुम? मैं पास के गांव से आई हूँ, देवी माँ के दर्शन के लिए आई थी, तभी मेरी बच्ची को पता नहीं क्या हो गया। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम देवी माँ के मंदिर में आई हो, वो कभी हमारे साथ दगा नहीं करेंगी। लाओ लाओ बच्ची को लाओ। माते, देवी काली माते, इस नन्ही बच्ची को जल्द से जल्द स्वस्थ कर दे माते, स्वस्थ कर दे। आ,
ये क्या है माँ, क्या है ये सब? उस दिन विजयदशमी के उत्सव के दौरान तुमने गौरव की प्राण ले ली और आज तुम्हारे भरोसे आई हुई नन्ही बच्ची की प्राण ले ली तुमने। क्यों क्यों ये सब कर रही हो? इसमें हमारा क्या दोष है माते? 7 पुश्तों से हम तुम्हारी पूजा करते आ रहे हैं, उसका यही फल है क्या? कहो कहो माते, जवाब दो, जवाब दो माते, जवाब दो। शाबजी 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 शाबजी, इस गांव में रहके इन सबकी हष्टरेखा देखती हूँ। अच्छा साहबजी, मैं जानना चाहती हूँ आप भरा खड़े खड़े हमारी देवी माँ पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं जी? कौन देवी? इसे तुम देवी कहती हो? एक छोटी सी बच्ची की प्राण नहीं बचा पाई है, इसे तुम देवी कहती हो? इसकी तीनों वक्त पूजा क्यों करूं? इसे दूध से अभिषेक क्यों करूं? इसे पंचामृत से अभिषेक क्यों करूं? इसकी आरती क्यों उतारूं? बोलो, जवाब दो। शाबजी, इस बंजारन की बात का बुरा नहीं मानना, अगर सच्चे मन से आप जो भी मांगेंगे ना, ये देवी माँ वो मनोकामना जरूर पूरी कर देगी। यदि आप देवी देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं तो फिर पंचामृत से इनका अभिषेक करना होगा। एक और बात है शाब जी, यदि आपके मन में कोई पीड़ा हो तो इस देवी माँ की आपको आरती उतारनी होगी। 3 समय पूजा करने की आवश्यकता नहीं, यदि आप सच्चे मन से उसकी एक बार भी पूजा करेंगे ना साहब जी, तो वो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देगी। आप खुद ही बताइए शाब जी, मनुष्य गलती करता है, अपने स्वार्थ के लिए वो गलती करके सारी गलतियों को इस बेचारी देवी माँ पे थोप देता है। दैया रे दैया, ये कहाँ का न्याय है? देखिए शाब जी, अपने साथ अच्छा होता है तो हम लोग देवी माँ को भूल जाते हैं, लेकिन बुरा होता है तो उसे याद करना शुरू कर देते हैं। हाँ, मनुष्य अपने पिछले जन्म के कर्म फलों को भूलकर अन्याय करता है, ये कौन सा न्याय है शाब जी? कैसा कर्म फल और कहाँ का कर्म फल? कर्म फल से जो छुटकारा दिलाता है वही देवी है, और जो उसे छुटकारा दिलाने में असमर्थ है, ऐसी देवी हमें नहीं चाहिए और ना ही ऐसी देवी की शक्ति। लानत है ऐसी देवी पर। क्रोधित मत होइए ठाकुर साहब, यदि देवी माँ ने ऐसा किया है तो अवश्य कोई ना कोई कारण। मैं कोई कारण जानना नहीं चाहता और ना ही कारण जानने की आवश्यकता है, मुझे इस देवी की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अरे इस जहां में बहुत सारे नास्तिक हैं, क्या वो अपनी जिंदगी नहीं गुजारते हैं? उत्तेजित मत होइए। अरे देखिए, इस पर जो अधिक विश्वास करते हैं, जो सदैव इसकी पूजा करते हैं, ये ऐसे लोगों की ही परीक्षा लेती है। आप मेरी बात। बस पंडित जी, बस बस कीजिए। मैंने इस पर विश्वास किया और इसने मेरे साथ विश्वासघात किया। ठाकुर साहब, जिससे वचन दिया उसे निभाने में असमर्थ रहा मैं, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई, अब जिंदा रहकर मैं क्या करूंगा? ठाकुर साहब, नहीं पंडित जी नहीं, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे इस देवी की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहे तो इसकी पूजा कर सकते हैं, तीनों वक्त पूजा कर सकते हैं, दूध से अभिषेक कीजिए, पंचामृत से अभिषेक कीजिए, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। काली माँ, मेरी बेटी की आत्मा को यहाँ ले आओ, ले आओ काली माँ। आहा बेटी मोहिनी, क्या तुम अपने बाप की इच्छाओं की पूर्ति करोगी? जरूर पूरी करेंगी पिताजी, जरूर करेंगी। आहा, जल्द से जल्द मेरी मनोकामना को पूरी करो, जाओ। मोहिनी, देवी देवी देवी, ए कमली हाँ? इधर आओ। क्या बात है मालकिन? देवी कहाँ है? वो शिवा देवी बेटी को बाग बगीचा दिखाने के लिए लेकर गए हैं, कब तक आएंगे पता नहीं। किसने लेके जाने को कहा वहाँ पर? एक बात नहीं मानती है, हमेशा खेल में दिमाग पड़ा रहता है। जा जाके उसे लेकर आ। ठीक है मालकिन।
ये क्या पूरे बदन पे कीचड़? पूछ रही हूँ ना, जवाब दे, जवाब दे मुझे। अरे देखिए तो, जवाब नहीं दे रही है मुझे। कहो बेटी, जवाब दे। रानी, लगता है अपनी सहेलियों से लड़के आई है। छोड़ो, कमली। जी मालिक। जल्दी से देवी को नहला धुला के यहाँ लेकर आओ। ठीक है मालिक। जाओ बेटी, चलो मैं तुम्हें नहलाती हूँ। तेरी लाडो, चल। ये सब आपके लाड़ का नतीजा है, इसलिए जिद्दी हो गई है। गलती हो गई बेटा, गलती हो गई। तुम जाओ, मेरी बात मानो बेटी, मैं तुम्हें नहलाती हूँ। नहीं, मैं खुद नहाऊंगी। ओह पंडित जी, पधारिए पधारिए। अरे नातिन के लिए बड़ा तोहफा लेकर आए। उसके लिए नहीं लाऊंगा तो किसके लिए लाऊंगा ठाकुर साहब? आखिर एक ही तो नातिन है मेरी। यानी वो आपकी नातिन है, उसे मेरा कोई संबंध नहीं है। देखिए पंडित जी, आखिर वो मेरी भी पोती है। ठीक है, चलिए चलिए। कैसे हो बेटा, कैसी हैं आप? नमस्ते रानी बेटी। देवी कहाँ है? वो नहाने गई है, बताती होगी। ये क्या देवी, बर्थडे ड्रेस पहनने की जगह काली ड्रेस पहन कर आई हो? यही मेरा मनपसंद कलर है। ए, मैं भी कुछ देर से देख रही हूँ, उल्टे ही जवाब दिए जा रही है। जाने दो बहू, छोटी बच्ची है, उसे पसंद है तो उसे पहनने दो। चलो बेटी केक काटते हैं। क्यों बेटी देवी, सबको इस तरह क्यों देख रही हो? आप सबको देखने की इच्छा हो रही है। ओके बाबा, पहले केक काटो। रानी, कैंडल फूको। कोई डरना नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मुझे किसी ने भला बुरा कहने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगी। इसे मजाक नहीं समझना, ये सच है। जब मैं लंदन स्कूल में पढ़ती थी तब मैं ऐसे डराने की एक्टिंग किया करती थी जिसके लिए फर्स्ट प्राइज भी मिला। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? एक्टिंग तो तुम कमाल की करती हो, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। मेरी भी उम्र तुम्हें लग जाए। बेटी देवी, बेटी, अरे सुबह से इस तरह गुस्से में क्यों खड़ी हो, क्या बात है? सुबह से देख रही हूँ, मुझे चाय तक के लिए किसी ने नहीं पूछा। क्या तुम्हें चाय नहीं दिया? ठीक है, अभी खबर लेता हूँ। ए महालक्ष्मी, क्या हुआ जी? इधर आ। आ रही हूँ, क्या हुआ? इस बच्ची को चाय क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? तुम्हें अक्ल है क्या? हाँ, सुबह से दूध वाले नहीं आया तो मैं क्या करती? दूध वाला नहीं आया, वो नहीं आए तो क्या हुआ? मैं दूध दोहता हूँ, मुझे धोना नहीं आता है क्या? चलो बेटी, मैं दूध दोहता हूँ, चलो बेटी। बड़ा आया दूध वाला, बड़ा ही प्यार जता रहे हैं अपनी पोती पे। बाबूजी, आज राजा को क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, सर पे लाल गमछा देखकर वो अपने आप से बाहर हो गया। अच्छा हुआ कि एहन वक्त पर देवी ने आके बचा लिया। देवी, चलो चलिए बाबूजी।
इस बार तो तू बच गया, लेकिन अगली बार तू नहीं बच पाएगा शमशेर सिंह। बेटी महालक्ष्मी, तुम्हारे पति पर घोर बंति आने वाली है, इसलिए मैं तुम्हारे मंगलसूत्र को देवी के चरणों में रख के देता हूं। शमशेर, अब यह दैविक मंगलसूत्र है, इसे अपने हाथों से पत्नी को पहना। बेटी महालक्ष्मी, जब तक ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले में रहेगा, तब तक तुम्हारे पति को कोई आंच नहीं आएगी। जब तक ये मंगलसूत्र तेरे गले में है, तेरे पति को मारना नामुमकिन है। इसका कुछ करना होगा। दादी दादी, बाग में जाकर झूला झूलते हैं ना, चलिए ना। दादाजी को भी साथ में आने के लिए कहिए ना। सुना नहीं बच्ची क्या कह रही है, झूला झूलना चाहती है। अब तुम्हारी उम्र झूला झूलने की है क्या है? सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको भी बुला रही है झूला झूलने के लिए। तो चलिए। क्या हुआ, अगर देवी की यही इच्छा है तो चलो चल के झूला झूलते हैं। चलो चलो माँ चलो। अरे बाप रे, मैं तो बहुत थक गया भाई। कोशिश करते हैं। दादाजी धक्का दीजिए, आप भी दीजिए। अरे मैंने बहुत कोशिश की, मुझसे नहीं हो रहा है, तू जरा कोशिश करना। मुझसे तो नहीं हो रहा है जी। अब तो आप दोनों मानते हैं ना कि आप बूढ़े हो गए। हाँ बाबा, हाँ बाबा, मानता हूँ हम दोनों बूढ़े हो गए हैं, ठीक है ना? ठीक है, ऐसा करते हैं, आप दोनों बैठिए और मैं धक्का देती हूँ। हम दोनों को बिठा के धक्का दे पाओगी? अरे आप बैठिए तो सही, मैं आपको जमीन से आसमान तक पहुँचा दूंगी। जब बिटिया बोल रही है तो टालो मत, चलो बैठो बैठो बैठो। हाँ बेटी, अब तुम यहाँ से उठो। अब हम बैठते हैं। अरे खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, चलो बैठो बैठो। आप भी बैठो, ध्यान से धक्का देना बेटी। देवी बचाओ बचाओ बचाओ, देवी बचाओ। मैं देवी नहीं हूँ, तुम्हारे कुटुंब को तबाह करने आई विश्वास हूँ। नहीं बेटी, नहीं, नहीं बेटी। कोई है, मेरे पति को बचाइए, कोई है। क्या हो गया?
मालकिन, बड़े मालिक के क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? दादाजी झूले से गिर के मर गए। सब विधि का खेल है। संसार में कोई जन्म लेता है तो एक ना एक दिन उसको मरना ही पड़ता है। बेटा धीरज रखो, माँ को सांत्वना दो। जब से बाबूजी का देहांत हुआ है तब से माँ बोलने की शक्ति खो दी है और उनके हाथ पैर बेकार हो गए हैं। ये सब देखकर मुझे कह रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। दादाजी के पास ले चलो। रानी, देवी को ले जाओ। देवी, देवी इधर आ, दिल मत कर। माँ, माँ चुप। क्या हो गया तुम्हें? हाँ? तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, देवी को देखो। दादाजी क्या कह रहे मालूम है क्या माँ? जैसे दादाजी ऊपर गए हैं ना, वैसे ही मुझे भी ऊपर भेजने के लिए कह रही है। हाँ, मुझे सब पता है माँ। यही कि देवी बाबूजी के लिए बहुत परेशानी है ना। माँ कुछ नहीं होगा माँ। माँ, माँ क्या हुआ? माँ, 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 प्लीज माँ हिम्मत रहो। हम है ना रानी, माँ का ख्याल रखना। मत रो दादी। नहीं, मैं कौन हूँ सबको बताएगी? आज रात को तू भी मर जाएगी। क्यों आई हो जाती है तू? तेरा काम तमाम करने के लिए। तेरी बहू इसी ओर आ रही है, मेरे बारे में कुछ भी कहा तो तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माँ जी गोली ले लीजिए। मैं चलती हूँ। कुछ चाहिए माँ जी? हाँ, आप चाहती हैं कि मैं यहाँ सोऊं? तो ठीक है, यहीं सो जाऊंगी। अरे माँ, तुम यहाँ से जाओ, मैं दादी के साथ सोऊंगी। माँ जी, अगर देवी यहाँ सोना चाहती है तो सोने दीजिए ना, मना क्यों कर रही हैं आप? ये संभाल लेगी आपको। देवी, कहीं तू माजी को परेशान तो नहीं करती है, इसीलिए तो मना कर रही है सोने के लिए? हाँ ठीक है माजी, मैं आप ही के साथ सो जाती हूँ। हाँ तुम जाओ ना माँ। देवी, अगर एक बार कह देती हूँ तो सुन लिया करो। मैंने कहा ना मैं यहीं पर सोऊंगी तो यहीं पर सोऊंगी, समझी? ठीक है, तुम दादी के साथ यहीं सो जाओ, मैं जाती हूँ। पीछे जाइए डैडी।
और थोड़ा पीछे डैडी। ओके। और थोड़ा पीछे डैडी। ठीक है। और थोड़ा पीछे डैडी। ये ठीक है। सुनिए, सुनिए। ये क्या कर रहे हैं आप? ओह गॉड, ये क्या किया तूने? देवी, तेरा दिमाग खराब हो गया है? डैडी को पीछे जाने के लिए कह रही थी, अगर वो गिर जाते तो क्या होता? हाँ सॉरी मम्मी, मैंने नहीं देखा, मैं फोटो लेने में मगन थी। नहीं देखा, फोटो लेने में मगन थी, एक मारूंगी ना तो। ए, रानी, इस बेचारी पर क्यों गुस्सा रही हो? हाँ? ये बेचारी फोटो लेना चाहती थी तो लेने दो ना। चलो बेटे, चुप रहिए, ये सब आप ही की वजह से हुआ है। इतना प्यार दे देके इसे सर पे चढ़ा रखा है आपने। छोड़ो छोड़ो, जाने दो। चलो बेटी, आज मैं तुझे आइसक्रीम खाता हूँ। देवी ओके ना? तुम यही रखो, मैं भी तुम्हारी माँ को समझाता हूँ। ओके। ए रानी, खफा है? चुप रहिए, अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मेरी जान ही चली जाती, कुछ पता है आपको? हे, क्यों चिल्ला रही हो? जब तक तुम्हारे माथे पे कुमकुम रहेगा तब तक मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसे तुम्हारे बाबूजी ने कहा था। देखिए बात दरअसल कुछ नहीं होगा, चलो चलो ना। अरे आप मेरी बात समझ लीजिए। जब तक तेरे माथे पर कुमकुम रहेगा मैं तेरे पति को नहीं मार पाऊंगी, यही ना? छोटे मालिक, छोटे मालिक। कौन कौन है आप लोग, क्या चाहिए आपको? हम लोग गुमला से आ रहे हैं, छोटे मालिक से एक मुख्य बात करनी है। सुनिए जी। कौन है आप लोग? नमस्ते। नमस्ते छोटे मालिक, हमारे गांव में पानी की समस्या है, पास के गांव वाले हमें पानी देने से मना कर रहे हैं, इसलिए आप आके समस्या का समाधान कीजिए। बड़े मालिक होते तो इस समस्या का समाधान कब का हो चुका होता छोटे मालिक, ये सच कह रहे हैं मालिक। उनके बिना हम अनाथ हो गए हैं मालिक। छोटे मालिक, हमारी आपसे विनती है कि बड़े मालिक की तरह आप भी हमारी मदद करें। ठीक है जी, अगर आप ऐसा करेंगे तो उनका मान बढ़ेगा। चलिए। Yeah.
रानी, 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 क्या हुआ तुम्हें? मैंने, रानी क्या हुआ? मैंने देखा, मैंने पिशाच को देखा, अपनी अपनी आंखों से देखा, यहाँ घर में। रानी कंट्रोल कंट्रोल कर रानी। अरे ट्रांसफार्मर से वोल्टेज ड्रॉप हो गया होगा। कुछ नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने देखा, मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा। हॉल में देखा क्या? और कहाँ? और कहाँ देखा? कहाँ देखा बोलो? चलो कमरे में देखा। चलो मेरे साथ चलो। कहाँ कहाँ देखा? यहाँ पर है वो, मैंने देखा था अपनी। रानी कोई भी नहीं यहाँ। नहीं वो यहाँ पर है, मैंने देखा था मेरा। रानी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, यहाँ कोई नहीं है। आंखें खोल के देखो, देखो मैंने देखा था। रानी नहीं है, लेकिन मैंने यही देखा था, वो यहीं पर थी। रानी प्लीज मेरी बात सुनो, तुम कंफ्यूज हो गई। रानी और कहाँ देखा पता? पिशाच को कहाँ देखा बोलो? किचन में देखा। चलो चलो चलते हैं, चलो चलो रानी चलो। मैंने देखा था। चलो दिखाओ, यहाँ पर थी वो, मेरा यकीन कीजिए। इतनी कदम रानी, यहीं पर देखा था मैंने। देखो रानी, नहीं नहीं मुझे देखो, तुम खुद देखो। कहाँ? वो यहीं पर था, मेरा यकीन कीजिए, मैंने अपनी अपनी आंखों से देखा था। रानी यकीन कीजिए। रानी रानी प्लीज, रानी बाबूजी की मौत से तुम्हें सदमा पहुंचा है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है इस घर में। इस घर में मैंने देखा अपनी आंखों से। रानी ये तुम्हारा वहम है। नहीं मेरा वहम नहीं है। मेरी बात पर विश्वास नहीं? रानी मैं सच कह रहा हूँ, धैर्य से काम लो रानी, समझने की कोशिश करो। रानी मेरा यकीन कीजिए। रानी ऐसा कुछ नहीं है। रानी समझने की कोशिश करो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ रानी। पिछले जिंदगी के बारे में सोचकर रो रही है ना? मेरे साथ क्या हुआ ये जानना नहीं चाहोगी? मैंने भी हाथ जोड़े गिड़गिड़ाई, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी ना। तुझे मारने के बाद मैं तेरे बेटे को भी मारूंगी। अब पछता रहे है क्या तू? मैं तुझ पर दया करूं? अगर उस दिन तूने मुझ पर दया की होती तो मेरा यह हाल ना होता। देख तेरा क्या करती हूँ। माँ को क्या हुआ? दादी उठी है ना? दादी, दादी। माँ, माँ, रानी। बाबूजी, आज माँ भी
हमें छोड़ के इस दुनिया से चली गई। छोटे ठाकुर, मैं आपके सर पे हाथ रख के कसम खा के कहता हूँ, मैंने अपनी देवी बिटिया को पिशाच का रूप धारण करते हुए अपनी दोनों आंखों से देखा है, मेरा भरोसा कीजिए। सर, ये है आपके फोटो प्रिंट। ठीक है सर। रानी, क्या है जी? क्या है जी? रानी, इस घर में किसी पिशाच का वास है, ऐसा तुमने भी कहा और शिवा ने भी कहा, वो सच है क्या? आपने से देखा? हाँ। कहाँ देखा? रानी, मेरी बात सुनकर तुम्हें झटका लगेगा। क्या है वो? किसी बुरी आत्मा ने देवी को जकड़ लिया है। मुझे भरोसा नहीं। रानी, मेरा विश्वास करो, इन फोटो को देखो। रानी, मुझे विश्वास नहीं। महादेवी चामुंडेश्वरी, अब क्यों हमारी ऐसी परीक्षा ले रही है? हमने ऐसा कौन सा अन्याय किया है जो आप हमें ऐसी सजा दे रही हो? नहीं, बेटी नहीं हो सकती है। मुझे विश्वास नहीं होता। रानी, प्लीज, सब ठीक हो जाएगा, हमें वो देवी बचाएंगी। रानी, उस पर विश्वास करो, देवी माँ पर विश्वास करो। रानी, वो देवी माँ हमें अवश्य बचाएगी, चिंता मत करो। देवी, हम कहाँ जा रहे हैं माँ? वॉटरफॉल्स देखने जाना है, ऐसा तुम हमेशा कहती रहती थी ना, इसीलिए मैं और डैडी तुम्हें साथ लेकर वहां जा रहे हैं। अब तो खुश हो ना? शिवा, अटैची गाड़ी में रख दो। तुम दोनों को खत्म करने के लिए उससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है? क्या बात है बेटी, किस सोच में डूबी हो? कुछ नहीं पापा, कल हम फॉल्स देखने के लिए जाएंगे ना, इसीलिए बहुत खुश हूँ। फॉल्स देखने के लिए जाएंगे लेकिन मंदिर लेकर आए हैं। पहले मंदिर, फिर वाटरफॉल। ओके रानी, चलो। देवी, उतरो बेटा। उतरो देवी। मैं देवी नहीं हूँ, तेरे माता पिता को मारने वाली मोहिनी हूँ मैं, और अब तुम दोनों मेरे हाथों नहीं बचोगे। देवी, मुझे उस कार का पीछा करना है। आप लेके जाइए। थैंक यू। Thank you.
चले गाड़ी रोको, चले गाड़ी रोको, चले चले रुक जाओ, चले गाड़ी रोको। ओ, 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 ओ। चले गाड़ी रोको, चले गाड़ी रोको, स्पीड से समझने की कोशिश करो, गाड़ी रोको। चले जब तक कि तुम्हारे माथे पे ये कुमकुम सजा रहेगा, तुम्हारे स्वर्ग को कोई आंच नहीं आएगी। माँ देवी माँ, हमारी ऐसी परीक्षा क्यों ले रही हैं? आप तो शक्ति की देवी हैं। मेरे बच्चे को इस मुसीबत से निकाल दे माँ। कौन है बेटी, स्वयं को दंड क्यों दे रही है? माँ, हमारे पूर्वजों ने इनके लिए मंदिर बना के पिछले 7 पुष्टों से इनकी पूजा कर रहे हैं और ये दिन ब दिन हमारी परीक्षा लेती जा रही है। मेरी बेटी के शरीर के अंदर पिशाच का वास है। किस लिए माँ, किस लिए हंस रही हैं आप? स्वयं तेरे ससुर ने ही उस पिशाच को घर आने का न्योता दिया था, तुझे याद नहीं? पूर्व जन्म में तुम्हारे ससुर ने देवी देवता ही नहीं चाहिए ऐसा बोल के उन्हें त्याग दिया था, तो इस जन्म में भला वो देवी देवता उनकी सहायता कैसे करेंगे? मुझे उत्तर दो, वो कैसे करेंगे बेटी? ये क्या कह रही है माँ? अगर मेरे ससुर जी से कोई भूल भी हो गई होती तो ये देवी माँ क्या हमारी रक्षा नहीं कर सकती है? ये माँ पत्थर है, सिर्फ पत्थर। चाहे तुम्हें जन्म देने वाली हो या तुम्हारे कोई भी सगे संबंधी हो, तुम सब हमेशा एक साथ मिलजुल के रहना चाहते हो। तुम्हें तुम्हारा गौरव और मर्यादा अति प्रिय है। तुम्हारे कहे अनुसार आने के लिए या तुम्हारे कहे अनुसार जाने के लिए देवी देवताओं की कोई मर्यादा नहीं है क्या? उत्तर दो बेटी। माते, जब तक कि तुम्हारे माथे पे ये कुमकुम सजा रहेगा, तुम्हारे स्वर्ग को कोई आंच नहीं आएगी। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस देवी पे विश्वास रखो, वो हमेशा सहायता करती है। यदि सच्चे मन से पुकारोगी तो वो अवश्य आएगी। देवी, स्वामी जी, एक छोटी सी बच्ची यानी मेरी बेटी कार चला रही थी, आपने देखा उसे? वो तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है। स्वामी, ये क्या करें आप, वो मेरी बेटी है, आप नहीं जानते हैं, कहाँ गई वो? उसे जहाँ पहुँचना था वो वहाँ पहुँच चुकी है। स्वामी, वो एक दिन तुम्हारी खोज में अवश्य आएगी। ओम शक्ति। ओम सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्ग दे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै स्वाहा। ओम शक्ति। आओ, ओम काली। कौन हो तुम? उत्तर दो, उत्तर दो, उत्तर दो। मैं मोहिनी हूँ। क्या आप
इस सिंदूर को मेरी मांग में भर सकते हैं? क्या तुम पागल हो गई हो? इस संसार में हर कोई किसी चीज के लिए पागल है, कोई दौलत के लिए, कोई जमीन के लिए। ठीक उसी तरह मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। पहले दुनिया को पहचान लो। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ और चाहती हूँ तुम भी मुझे पहचानो, यही काफी है। मुझे क्या करना है? मेरी सोनी मांग में इस सिंदूर को भरकर मुझे अपनी पत्नी बना लो सूरज, यही ख्वाहिश है मेरी। मांग भरो ना। इसे रहने दो। चल कमीने, चुप कर, चल चल। पिताजी आप जानते हैं इसने क्या हरकत किया है? कैसी हरकत की? ये मैं नहीं बताऊंगा, उसी से पूछिए। हमारे जानी दुश्मन शमशेर सिंह के बेटे सूरज सिंह के साथ गुल खिला रही थी। बेटी, जो मैंने सुना वो सच है क्या? जवाब दो, बोलो बोलो। जी हाँ, मैं सूरज से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। हाँ। 25 साल से जिसे मैं बुलाने की कोशिश कर रहा था उसे तुम्हारी बेटी ने फिर से याद दिला दी। अगर मेरी बेटी ने मेरे गांव के ठाकुर के बेटे को चाहे तो इसमें गलत क्या है? हाँ, अगर जवान लड़की गलत कदम उठाती है तो उसकी सजा उसकी माँ को मिलनी चाहिए। अगर तुम्हारी बेटी घर छोड़कर चली गई तो किसकी बदनामी होगी? किसकी बदनामी होगी? रुक जाइए पापा, आपकी बेटी नापाक नहीं हुई है क्योंकि मेरी रगों में आपका खून है। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ और आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। मेरे लिए आपकी इज्जत ही सब कुछ है। ए, ए, पिताजी से क्षमा मांग, क्षमा मांग, मांग ना। ए रुको, अरे तुम दोनों मेरी पोती को डांटने लगे। मेरी पोती ने ऐसा कौन सा पाप किया बोलो? शमशेर के बेटे से मेरी पोती प्यार करती है और ब्याह करना चाहती है, क्या वो पाप है? हाय बुढ़िया, बीच में मत आना, काट कर रख दूंगा। सुना तूने? ए राजेंद्र, किसे गम कर रहा है तू? ए, मैंने अपनी जिंदगी में तुझ जैसे कईयों को देख चुकी हूँ। अरे तू तो कुछ भी नहीं, मच्छर है मच्छर। ए जबान को लगाम दो। माँ, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। 25 साल पहले जिस कुत्ते ने तुझे काटा है उसी ने मुझे भी काटा है। अरे शमशेर के गांव की लड़की को तू भगा के ले आया। शमशेर के पास धन दौलत सब कुछ है, तेरे पास क्या है? देवीपुर की लड़की से प्यार करके तूने क्यों ब्याह रचा है बताओ? मंत्र शक्ति से तू किसी लड़की को फंसा सकता है, मगर तेरी बेटी का किसी से प्यार करना तुझे गवारा नहीं। तेरे पास न धन था न दौलत थी, तू तो सबको लूट कर जी रहा था। ए, ए, गड़े मुर्दों को मत उखाड़ो। मेरी पोती उसी से शादी करेगी और धन दौलत सब कुछ मेरी पोती मोहिनी के कदम चूमेगी, उसकी ख्वाहिश अवश्य पूरी होगी। माँ, क्या ऐसा हो सकता है? मेरी पोती मोहिनी की शादी अवश्य उसी से होगी। पच्चीस साल से
हम दोनों का परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और आज उस दुश्मनी को सदा के लिए भूलकर मैं अपनी पोती मोहिनी का रिश्ता सूरज के साथ तय करना चाहती हूँ। मेरी पोती मोहिनी को अपने घर की बहू बना लो, हम दोनों का परिवार एक हो जाए। यही मेरी बहू भवानी चाहती है, क्योंकि वो तुम्हारे गांव की है। हमें तुम पर भरोसा है और भरोसे को धोखा मत देना। हम पे भरोसा करके दुश्मन भी आते हैं तो हम सच्चे मन से उसकी इज्जत करते हैं, यही हमारा रिवाज है। हमारी परंपरा के अनुसार इस मंदिर के हाथी जिसके गले में हार डालेंगे उसी के साथ मेरे बेटे की शादी होगी। सब देवी माँ के निर्णय के ऊपर निर्भर है। ओम सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते वर्गापवर्ग दे देवी नारायणि नमोस्तुते स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै स्वाहा। आइए आइए ठाकुर साहब। बेटा ये क्या हो गया? उस देवी माँ के निर्णय के अनुसार शंकर पंडित की बेटी को मैं खुशी खुशी अपनी बहू के रूप में स्वीकारता हूँ। बंद करो, अपनी बकवास बंद करो, चिल्ला मत। यहाँ हर जात के लोग हैं, यहाँ एकत्रित सब लोग की सहमति से ही शादी के लिए राजी हुए हैं। ये सफेद झूठ है, ये फैसला सही नहीं है, झूठ है। देवी माँ की चौकट पर नाटक रचा रहा है तू। माँ देवी के नाम पर तू हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है, यह अन्याय है, घोर अपमान है। सूरज की पत्नी बनने लायक एक ही लड़की है इस गांव में और वो है मेरी बेटी मोहिनी। ठाकुर जी, जिस दिन से मैं शादी होकर गई हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैंने आपके सामने एक बार भी हाथ नहीं फैलाया, लेकिन आज झोली फैला के आपसे अपनी बेटी के लिए भीख मांग रही हूँ। मेरी बेटी को अपनी बहू बना लीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। Hey, कौन सा मुंह लेकर आई हो यहाँ? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? क्या सोच कर आई हो? ये जरूर है कि हम दोनों एक ही गांव के हैं, लेकिन तुम्हारी बेटी मेरी बहू नहीं बन सकती। तुम्हारी वजह से मुझे बदनाम होना पड़ा इस गांव में। ये सब तुम क्या जानो? तुमने हमारे साथ धोखा किया है, आइंदा मेरे सामने आना मत। चली जाओ यहाँ से। ठाकुर जी, जो कुछ भी हुआ है उसे एक बुरा सपना समझ कर भूल जाइए ना। किसे भूलने के लिए कह रही हो? देवीपुर की मान मर्यादा को भुलाकर तू जो भाग गई, उसे भूलने के लिए कह रही हो? मेरे सवाल का जवाब दो। मैं मानती हूँ सब मेरी गलती थी। मानती हो ना, गलती तुम्हारी है। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही देवी माँ ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया। किसे पता तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह भाग गई तो। मेरे भवानी को क्या हो गया? मुझे बचाओ। मेरी भवानी को क्या हो गया? अरे पापी, तूने मेरी बहू को मार डाला, तूने मेरी बहू को मार डाला। ए शमशेर सिंह, आज तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी का खून मेरे हाथों हो गया। तेरी तो ठाकुर, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। कहो भवानी। मैं गांव छोड़कर भागी नहीं थी ठाकुर जी। भवानी, ये तुम क्या कह रही हो? उन्होंने मुझ पर मंत्र शक्तियों का प्रयोग किया, इसलिए मैं मजबूर होकर भागी। ये क्या किया मैंने? ठाकुर भवानी, भवानी, भवानी,
पानी। ए त्रिनेत्रा, बेरहमी से भवानी का खून किया तूने। इस देवीपुर को, तुम्हारे वंश को, तुम्हारे परिवार को मैं मिटाए बिना चैन से नहीं रहूंगा। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, मुझे अपने घर की बहू बना लीजिए। मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। सुनिए, अगर इनसे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। सुनिए, आप तो जानते हैं ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे शादी कर लीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, आग में जलकर मरने वाली मोहिनी की आत्मा को भगाने हेतु मैंने दैवी शक्ति के द्वारा एक परिहार खोज निकाला है। स्वामी, सूरज बेटे, ज्यों ही विजयदशमी की पूजा संपन्न करेंगे त्यों ही कोई समस्या खड़ी नहीं होगी, अर्थात आपका भी भला होगा और देवीपुर वालों का भी। तुम्हारी बेटी पर जो भी विपत्ति थी वो टल गई। मैंने देवी आदिशक्ति की पूजा की और मंत्र शक्ति के द्वारा आपके घर की रक्षा की। ये लीजिए पुण्य जल, सुनिए, इसे आप देवी के कमरे के चारों ओर छिड़क दीजिए। किसी भी कारणवश आप देवी को इस घर के बाहर जाने की अनुमति मत दीजिए। ओम शक्ति, ओम शक्ति। बेटी मोहिनी। पापा, एक स्वामी ने अपने मंत्र शक्ति से मुझे उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। आप अपने मंत्र शक्ति का प्रयोग करके मुझे पुनः उसके शरीर में डालिए पापा। काली माँ, तुम्हें किसी ने अपने अधीन कर लिया है। ओम रीम क्लीम स्वाहा, ओम रीम क्लीम स्वाहा। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटी, कुछ नहीं होगा। रानी, मैं इसी वक्त देवी को हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, चलो बेटी। इसे हॉस्पिटल नहीं लेके जाइएगा, इसे गुरुजी के पास लेके जाना होगा, वही इसे ठीक कर पाएंगे। मेरी बात सुनिए रानी, ये नहीं कि मुझे मंत्र शक्ति पर विश्वास नहीं है, लेकिन इसे अस्पताल ले जाना होगा। इस वक्त डॉक्टर से बढ़कर कोई नहीं है। मेरी बात तो सुनिए, इसे मत लेके जाइए, यही रहने दीजिए, इसे मत लेके जाइए, गुरुजी ने मना किया था। रानी प्लीज, मेरी बात तो सुनिए रानी, रानी प्लीज, देखिए तो मत कीजिए, बाहर मत लेके जाइए रानी। जिद पर अड़ी रहोगी तो बच्ची की जान को खतरा है। नहीं, बाहर जाएगी तो भी खतरा है। चलो रानी, चलो। रानी, बच्ची को संभाल, अभी आता हूँ। राजेंद्र, मेरी बच्ची बीमार है, प्लीज आशा छोड़ो। ए, मेरी माँ और मेरी बहन की मौत के जिम्मेदार तुम हो, इसलिए किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राजेंद्र, ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने तुम्हें कभी परेशान नहीं किया, तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, तो क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हो? मुंह बंद कर, मेरी बहन की जगह तूने छीन ली है, सबसे पहले तुझे मरना होगा। हा
अपने दिल की भड़ास निकाल लो। ए, तेरी जान लेना मेरा मकसद नहीं है। एक अच्छा इंसान बनकर नेकी के रास्ते पर चलो, इसलिए मैंने तेरी जान बख्श दी। दफा हो जाओ। जय काली मां। जय काली मां। सूरज ने मुझे हरा दिया, उसने मेरी जान बख्श दी। मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी नहीं चाहिए। मेरा गला काट के देवी मां के कदमों में डाल दो, वो देवी मां आपको बहुत बहुत शक्ति देगी। पिताजी, वो सूरज विजयादशमी के दिन आपको मारने की तैयारियां कर रहा है। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले उसका गला काट के इस देवी माँ के कदमों में डाल दीजिए, उसके बाद ये पूजा कीजिए। मिस्टर सूरज। डॉक्टर, मैंने पूरा चेकअप कर लिया है, लेकिन क्या फॉल्ट है ये नहीं जान पा रहा हूँ। आपकी बेटी को देवी माँ ही बचा सकती है। डॉक्टर, सब कुछ जानते हुए भी आप इस तरह। सब कुछ जानने वाला इस जग में कोई नहीं है सूरज, गॉड इज ग्रेट। सुनो सूरज, विज्ञान तरक्की के मार्ग पर चल रहा है, इसके बावजूद दैविक शक्ति के आगे विज्ञान लाचार है। देखा, देखा आपने डॉक्टर ने क्या कहा। जल्दी चलिए, देवी माँ के मंदिर जाके उसके आगे क्षमा मांगेंगे। इस संसार में उसके अलावा हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है जी। यदि देवीपुर की ओर आंख उठाकर भी देखा तो मेरे क्रोध की ज्वाला में तू भस्म हो जाएगा। अरे देवी, मैं कौन हूँ जानती हो? असुरों का असुर त्रिनेत्र हूँ। चली जाए यहाँ से। मेरी ध्वनि से ये पृथ्वी कांप उठती है। यदि मैं चाहूँ तो आग के गोले बरसा सकता हूँ। तू मेरा बाल भी बका नहीं कर सकती।
तेरी आंखों के सामने इस देवपुर को जलाता हूँ, देख ले मेरा विश्वरूप, देख ले। देवी, यदि तुम मुझे भस्म भी कर दोगी या जमीन में गाड़ दोगी, फिर भी मैं जीवित हो जाऊंगा। हे देवी, रावण के तो 10 सर थे, लेकिन मेरे अनगिनत सर है। जो जो तू सर काटती जाएगी, एक एक सर बाहर आता जाएगा। अब तेरी कोई माया नहीं चलेगी। देख इस देवीपुर का कैसे सर्वनाश करता हूँ मैं। ए तांत्रिक, इस देवीपुर में तो क्या, पूरे संसार में मेरी इच्छा के विरुद्ध तू एक पत्ता तक नहीं हिला सकता है। समस्त संसार को अपने अधीन करने वाले दानव बीजासुर का वध करने वाली चंडी हूँ मैं। देवी देवताओं को भयभीत करने वाले चंड मुंड का वध करने वाली दुर्गा हूँ मैं। असुर शक्ति को इस भूमंडल से हटाने हेतु मैंने निशुंभ शुंभ का वध किया है, ज्ञात है तुझे? इन सर्व शक्तियों से शक्तिशाली नहीं है तू? तू जैसे दुष्ट का वध करने आई रुद्र काली हूँ मैं।